गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार एंड आई एम श्योर आप सब लोग बिल्कुल तैयार होंगे आपकी क्लैट की तैयारी करने के लिए। दोस्तों, आपके जो मन में सवाल है, जो आप यहां पे बातें कर रहे थे दोस्तों कि कैलकुलेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा मानना है कि क्लैट की परीक्षा के अंदर, ठीक है, अभी तक कैलकुलेटर मिला नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन एग्जाम में क्लैट के में आपको कैलकुलेटर मिला नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने जो आपको फॉर्मेट दिया था, दैट इज़ ऑनलाइन एग्जाम के अंदर, दैट जस्ट फॉर द ट्रायल वर्जन। यस, आपको याद होगा पहले सैम्पल पेपर के बाद सेकंड सैम्पल पेपर में उन्होंने कुछ कंडीशनें चेंज कर ली थी कि आप सेक्शन से एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा सकते हो। सो स्टिल इट इज़ अ बीटा वर्जन फॉर देम, सो इट विल टेक सम टाइम। सो मेरा मानना है कि जिस दिन आपकी एग्जाम होगी उस दिन मोटे मोटे तौर के ऊपर कैलकुलेटर नहीं होगा, और इन केस अगर कैलकुलेटर हुआ, ठीक है, तो भी आप समझना इट्स अ वर्चुअल कैलकुलेटर। आप अपना कीबोर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको माउस से उसको यूज़ करना है। ठीक है, इट्स अ वर्चुअल कैलकुलेटर, सुन लीजिए, इट इज़ अ वर्चुअल कैलकुलेटर, और उस वर्चुअल कैलकुलेटर में आपको माउस से सब कुछ करना होगा, विच विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो इट इज़ बेटर दैट यू डू योर कैलकुलेशन फ्रॉम नाउ, यस नो? और आप कर ही पाते हो, यस नो? कोई बड़ी बात तो है नहीं, यस? चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था आपका, है ना? दूसरा कोई पॉइंट आपके मन में तो बताइए दोस्तों, ठीक है, आपके मन में और कोई दूसरा कैसे क्वेश्चन हो तो बताइए, ठीक है? ओके, बताइए दोस्तों, कैलकुलेटर का पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है, आई थिंक दिस इज प्रीटी मैनेजेबल विद एवरीवन। ठीक है दोस्तों, आज से हम आपके लिए स्पेशल सेशन चालू कर रहे हैं फॉर द रिविजन, ठीक है। ओके, अभ्युदय सिंह बोलते हैं सर पीपीई किट पहन के जा सकते हैं ना? अभ्युदय, विच इज़ नॉट मेंशन, ठीक है, अगर आपको पीपीई किट पहननी है आप बिल्कुल पहन के जा सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आप बिल्कुल अपनी सेफ्टी के लिए ये एग्ज़ाम के अंदर इस तरीके की चीज़ें करके जा सकते हैं, पर ये पक्का है मास्क पहनना और वो वाइजर लगाना बिल्कुल ध्यान रखना। ओके, आप सब लोग ध्यान रखना दोस्तों, वो जो पूरा एक आता ना वाइजर, ठीक है, है ना, जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आ जाए उस दिन खर्चा करिएगा, ओके, फॉर वाइजर का, ठीक है, एडमिट कार्ड आने के बाद ही खर्चा करिएगा, उसके पहले मास्क का खर्चा कर लीजिए। ऐसा मास्क पहनना कि जो आपको दिक्कत ना करे दो घंटे तक बैठने के लिए, ओके, इनफैक्ट ज़्यादा समय, क्योंकि आप ट्रैवलिंग करके जाओगे, आप वहाँ पे खड़े रहोगे, आपकी एंट्री हो रही होगी, आपको वहाँ चेकिंग हो रहा होगा, फिर आपको कहीं बिठाया जाएगा, तो ये बिल्कुल ज़रूरी है दोस्तों। तो ये कोशिश करिएगा कि आप अपना वाइजर विच इज़ फेस शील्ड, है ना, आप पहन सकते हैं, और मास्क, मेरा मानना मास्क तो तैयारी करना चालू करिए अभी से, ओके, अभी आप जो आज का टेस्ट लिखेंगे तो आप मास्क पहन के ही लिखेंगे, उसके कम तो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर किसी को पीपी किट पहनना, बिल्कुल सर क्लॉथ का मास्क यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल, और मेरा मानना है कि क्लॉथ मास्क ही यूज़ करिए, नहीं तो वो जो नॉर्मल मार्केट वाले मास्क आते हैं, ठीक है, वो आपको लेकिन से बड़ा चौकअप कर देंगे। ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है सर, अब तो घर में बस मास्क ही मास्क दिखते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, आप जो भी N95 पहनना चाहे, जो भी पहनना चाहे, ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों, चलिए आज की कहानी चालू करते हैं। मिराट मेथड के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों, हम छठे सेशन तक आ चुके हैं और आज हम मिराट मेथड को प्रिसाइजली एगेन से वापस अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज के जो क्वेश्चंस हम लेकर आए वहाँ पे हमने सिर्फ रूल्स लिए हैं और ज़्यादातर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस करने की कोशिश करी है, है ना? तो मिराट मेथड को मैं रिवाइज करा दूँ एक बार आपको। यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मटीरियल फैक्ट प्रोवाइडेड, व्हाट एवर इज द फैक्ट प्रेजेंटेड और विच इज एब्सेंट। तो आपके पास जो सिचुएशन क्रिएट करी है उन सिचुएशन में क्या फैक्ट दिया है और उनमें से क्या चीजों का ध्यान रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द इश्यू ऑफ लॉ एंड पॉलिसी। एज आई मेंशन, हमारे केस के लिए ये दोनों चीज मिला जुला कर एक ही है कि हमें रूल्स अप्लाई करने हैं, दैट्स वेरी सिंपल। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस रूल्स इन अ प्रॉपर मैनर एंड देन वी हैव टू गो फॉर एप्लीकेशन। दिस एप्लीकेशन पार्ट इज अ क्रूशियल, जहाँ पे हमें यह देखना है कि ये रूल इन मटीरियल फैक्ट में कैसे अप्लाई होता है और बाद में वी रीच टू अ टेंटेटिव कंक्लूजन, और ये टेंटेटिव कंक्लूजन विल हेल्प अस इन से किस तरीके से ये दुनिया आगे बढ़ेगी। ओके, अक्षित बोलते हैं सर प्लीज गिव अ टिप ऑन हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन द मॉक। अक्षित, है ना, देखिए स्पीड इन द मॉक टू बी इंक्रीज विद अ वेरी सिंपल थिंग,
आप अपना टाइम लिमिट हर सेक्शन के लिए फिक्स कर दीजिए, ओके। सबसे पहले तो वो फिक्स कर लीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आप ये मान के चलिए कि आप कुछ कुछ सेट छोड़ सकते हैं, तो कितने सेट छोड़ेंगे उसकी प्लानिंग करके चलिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ओके। फॉर एग्जांपल जीके की अगर मैं बात करूं, जीके में एक सेट छोड़ सकते हैं, एलआर में एक से दो सेट छोड़ सकते हैं, ठीक है। लीगल में, ठीक है, आप एक सेट छोड़ सकते हैं, इंग्लिश में एक से दो वैकेंसी आरसी पैसेजेस छोड़ सकते हैं, और इंग्लिश में सॉरी कॉन्ट में आप एक सेट छोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मैक्सिमम आप छोड़ सकते हैं। तो आपको करना यह है कि अगर आपको प्रेशर हो रहा है, टाइम आपका ज्यादा जा रहा है, तो आप एक सेट छोड़कर बाकी में चले जाइए। तो ये जो स्पीड वाला जो पार्ट है ना, उस स्पीड वाला पार्ट के अंदर ये थोड़ी परेशानी हो जाती है कि जहां पे आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, ठीक है। तो आपको उस चीज का ध्यान देना है कि फंसते इसलिए क्योंकि आपकी इच्छा थी कि ये एक सेट बच रहा था, वो एक सेट मैं कर दूं, ताकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये कर देता हूं, और वो करने की वजह से धीरे 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 करते आपका समय बहुत आगे निकल गया। तो ये चीज का ध्यान रखना दोस्तों, ऐसी गलतियां नहीं हो, ठीक है। तो ये आपके सामने इतने सेट आप छोड़ सकते हैं, नहीं कि पूरी एग्जाम में, पूरी एग्जाम में शायद आप ये पूरा कंप्लीट करें और ये छोड़ सकते हैं। मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ऑल ऑफ यू मस्ट लीव सो मेनी क्वेश्चंस। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज पर सेक्शन मैक्सिमम दिस यू कैन लीव, सो ओवरऑल यू कैन लीव सम अराउंड यू कैन से 3 to 4 सेट्स, ओके। चलिए ग्रेट दोस्तों, इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन? वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ओके। सांची गोयल बोल रहे थे, अक्षित हांडा वर यू वरंट यू देयर इन द क्लास? क्लास बिल्कुल, कल जब रात को हमने क्लास करी थी, है ना, बिल्कुल दोस्तों। आज रात को भी हम लाइव क्लास करने वाले हैं 8 बजे, ठीक है, ओके। सो दोस्तों, आपके मन में कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, बिल्कुल विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस। मैं आज बात करने वाला हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आज एक टॉपर का माइंडसेट के नजरिए से बात करने वाला हूँ, दैट इज हाउ टू गेट इनटू अ रैंक ऑफ टॉप 1000। ये सुनो, इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं दोस्तों। आपके मन में कोई भी टॉपिक आ रहा है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं रोज आपके साथ 30-40 मिनट्स का एक मोटिवेशन का सेशन करूं, सो दैट वी आर रियली अवेयर, वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल अवर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। हमारी जो जो भी परेशानियां हैं, हम उसके साथ कैसे कवर अप करने की कोशिश करें, ओके। चलिए ग्रेट दोस्तों, तो हम आज की कहानी चालू करते हैं। ये रहा पहला सेट आपके सामने, 2 मिनट होगा आपको मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए, प्लीज लेट्स स्टार्ट, 2 मिनट्स। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपके पास सीधे क्वेश्चंस हैं, सो एक ही स्लाइड पढ़नी है, ठीक है, जिसके लिए आपको आपको 2 से 3 मिनट का टाइम मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। ग्रेट दोस्तों, ठीक है, चलिए स्पीड में। When you are done with this, you can very well tell me that you are done, okay? वेरी गुड, इट इज डन विथ मोस्ट ऑफ यू, वेरी गुड। कलिका मयंक पांडे, वेरी गुड। कलिका, आपका मैथ्स का जो रिक्वेस्ट था, वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। एक बार ये हमारा मिराट मेथड खत्म हो, सो विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट टू कवर योर मैथ्स प्रॉब्लम्स, ओके, ठीक है, कल तक खत्म हो जाएगा, सो परसों से विल बी इन पोजिशन टू स्टार्ट, ओके, ग्रेट, ओके। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, आपके पास 60 सेकेंड्स का टाइम होगा।
डू नॉट आंसर दिस, आप अपने पास कॉपी में लिखते चलिए इसके आंसर, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दिस. शब्दों की मायाजाल को ध्यान रखिएगा. इफ यू वॉन्ट टू यू कैन से रीड द प्रीवियस प्रिंसिपल्स, यू कैन टेल मी दैट, आई कैन हेल्प यू विद दिस. सिक्सटी सेकेंड्स आर डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. 60 seconds. लास्ट 10 seconds. सिक्सटी सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, विधि बोल रहे हैं कि इंटरनेट की परेशानी हो रही है. कोई नहीं, चिंता ना करें. लास्ट 10 seconds. नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट 10 seconds. नेक्स्ट क्वेश्चन. 60 seconds. जय, आई विल शो 59 क्वेश्चन वन मोर टाइम, डोंट वरी. ओके, आई थिंक दिस इज प्रीटी गुड. आई एम शोइंग यू प्रीवियस क्वेश्चंस. 59 की डिमांड हो रही थी लोगों की, प्लीज देख लीजिए उसको. 59. आई एम गोइंग टू गिव यू 25 सेकेंड्स फॉर दिस. ओके, आई थिंक दिस इज प्रीटी गुड. चलिए, ग्रेट. सो प्लीज आप अपने आंसर लिखना चालू करिए, है ना. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. ठीक है, मुझे मुझे समझ में आ रहा है कि दिस
रूल्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी इजी फॉर एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. यस और नो, सबके लिए बहुत इजी थे, आप सब लोग करने के काबिल हो रहे होंगे. सो आई थिंक यू शुड रियली नॉट वरी टू मच ऑन इट. ओके, राज लक्ष्मी ने अपने आंसर देना चालू कर दिया, वेरी गुड. 59 से देना चालू करिए, इट शुड बी गुड. ओके, 59 का सी बताया इन्होंने, वेरी गुड. व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन द पार्टी हू सफर्स बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हू हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट द कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड टू हिम देयर बाय विच नेचुरली अराइज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच अ ब्रीच. ठीक है, और विच द पार्टी न्यू, या तो पहले से पता था या तो उनको पता है कि क्या लॉस होगा. व्हेन दे मेड कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट इन द ब्रीच ऑफ इट, सच कंपेंसेशन इज नॉट गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन रीजन फॉर ऑफ द ब्रीच. ओके, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज फ्रीली एंटर्ड इन टू बाई द पार्टीज एंड द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ वन पार्टी कैन नॉट बी कंटिन्यूड इफ इट इज रेटिफाइड बाई द सर्वाइव्ड पार्टी. कैन बी कंटिन्यूड इफ इट इज रेटिफाइड बाई सर्वाइविंग पार्टी. वेरी गुड दोस्तों, जया ने आंसर मार्क कर रहे हैं, दृशिका ने मार्क कर रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर ऑल द पीपल टू रिस्पॉन्ड. दोस्तों प्लीज फटाफट अपने आंसर मार्क करिए. वेरी गुड, हैप्पी, आई एम हैप्पी, येस. प्रितेश सलोनी भूमिका, राजलक्ष्मी ने अपना मैसेज रिट्रैक्ट कर दिया है, नो वरीज, है ना, कोई चिंता नहीं है. बाकी लोग फटाफट करिए ना, स्पीड में. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन. ठीक है, सो अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल हिम 1000 टन्स ऑफ आयरन पर रुपीज 100 पर टन, यस और नो. B tells A that he needs the iron for export purposes and that he would be selling the iron at 200 per ton. Okay. A breaks the contract. Where the question comes about damages, A says he will be paying only 5000 as a damage because same variety of iron was available in the market at rupees 105 per ton. चलिए अच्छी बात है, मार्केट में 105 का ही तो मिल रहा है, तो आपको जो लॉस हो रहा है वो 5 रुपीज का हो रहा है. बी हाउएवर कंटेंस दैट इट शुड बी गिवन 1 लाख बिकॉज दैट वाज अ प्रॉफिट व्हिच ही वुड हैव मेड हैड ही फुलफिल्ड द कॉन्ट्रैक्ट. बी हैड एक्चुअली बॉट द आयरन एट 110 एंड हैड एक्सपोर्टेड इट. ओके, सो दोस्तों एग्जैक्टली बात क्या हो रही है हमारे पास यहाँ पे, ये बहुत सिंपल सा गणित बैठ रहा है कि इन्होंने बोला था दैट वी शुड बी प्रोवाइडिंग दोस्तों कंपेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज टू हिम. ओके, ठीक है, ये हमारा पॉइंट था. अब हमारे यहाँ पे फैक्चुअल बात क्या हुई, उसने 1000 टन इंटू 100 रुपीज का गणित लगाया. ये सुनो, उसने एक्चुअली में क्या लिया, ठीक है दोस्तों, व्हाट एक्चुअल अमाउंट यू आर परचेजिंग, ठीक है, और व्हाट इज देयर इन द मार्केट, क्या देखा जाएगा. आइडियली इट इज अ मार्केट प्राइस विच विल बी विजिबल. आप तो कोई भी प्राइस पे ले सकते हो, ये सुनो, आपका कंसिडरेशन कुछ और हो सकता है. आपने जो मार्केट में 105 रुपए की चीज अगर आप 110 में ले रहे हो, सो पॉसिबली यू वांटेड टू गेन सम बेनिफिट आउट ऑफ इट, यू वांटेड कन्वीनियंस, यू वांटेड सम अदर बेनिफिट, शायद ये सब कारण हो सकते हैं. सो देयरफॉर जो आपका लॉस हो रहा है वो लॉस कौन सा काउंट होगा, मार्केट प्राइस वाला, ना कि एक्चुअल प्राइस वाला. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ग्रेट. तो अगर मार्केट प्राइस वाला लॉस है, सो ही इज गेटिंग अ लॉस क्योंकि 5 रुपये उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है. 5 × 1000, दिस इज द कंपेंसेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड. सो दिस पर्सन इज एंटाइटल्ड फॉर दिस 5000 रुपीज एज द डैमेज, नथिंग एल्स. ओके, ना कि ये 10000 रुपीज, समझो दोस्तों, दिस इज नॉट 10000 रुपीज. क्यों? क्योंकि आप मार्केट में क्या प्राइस पे खरीदोगे उसका तो कोई गणित ही नहीं है ना. आप तो 110 की जगह आप 150 पे भी खरीद सकते हो, ये सुनो, आप 200, क्योंकि आपको 200 पे बेचना है, आप 199 पे भी खरीद सकते हो. सो और यू मे पॉसिबली गो फॉर लॉस क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले ही लेना है. सो यू मे पॉसिबली परचेज एट 250 रुपीज. सो दैट्स इमटीरियल, एट वॉट प्राइस यू आर परचेजिंग दैट इज इमटीरियल. वॉट इज मटीरियल इज वॉट इज अ जनरल मार्केट प्राइस गोइंग ऑन. सो आंसर होना चाहिए 59 का सी. ओके,
जिहारिका ने आंसर शायद ए मार्क करा है, ठीक है, और सलोनी चौधरी ने बॉम्बे मार्क किया है, यस, ठीक है, अक्षित हांडा ने भी बॉम्बे मार्क करा है, अक्षित लेकिन से सलोनी आप लोगों को कहाँ दिक्कत हो गई ये बताइए। आपको जो फैक्चुअल पार्ट समझना था वो ये समझिए दोस्तों, आपको जो लॉस हुआ एंड हाउ डू वी कैलकुलेट लॉस, लॉस हैज़ टू बी कैलकुलेटेड प्योरली बेस्ड ऑन अ रीजनेबल मैन की तरीके से, और वो रीजनेबल मैन मार्केट में क्या रेट चल रहा है वो देखेगा, नथिंग एल्स। ओके, आई होप दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है, इज दिस कंफर्टेबल विद एवरीवन? यस, सो आंसर विल बी सी। तपन was a dealer in a mustard oil. The government of India, by order issued Essential Commodities Act, fixed price of the mustard oil and also the quantity which a person can buy from the dealer. So, Tapan was a dealer and uski price fix kar di sarkar ne aur quantity fix kar di, which is a standard set of situation which happens in Essential Commodities Act. Tapan carried on his business under this order for a while, but he refused to pay sales tax on his sale transactions on the ground that this were not the contracts freely entered into by him. अभी उसने ये contract freely enter किया कि नहीं किया? दोस्तों आपको कोई भी contract करना है, that is contract between party A and B, okay? आपकी मर्जी आप क्या price लगाए, इसकी मर्जी इसको क्या प्राइस पे खरीदना है, वो आप दोनों के बीच में बीच की एक कहानी है। और आप दोनों आइसोलेशन में नहीं रहते हैं, आप दोनों रहते हैं एक सोसाइटी के अंदर, तो सोसाइटी की जो सिस्टम है उसमें जो रुकावट आती है, उसमें जो कंस्ट्रेंट्स है, वो कंस्ट्रेंट आपको मानना है। सोसाइटी की रुकावट में आती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ आपने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया था कि गवर्नमेंट आप जो बोलोगे हम मानेंगे और आप जो टैक्स बोलेंगे हम देंगे आपको, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स ही तो मांग रही है, ये सर नो, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तो फ्रीली एंटर हुआ होना चाहिए, ये सर नो। चलिए ग्रेट दोस्तों, सो विल तपन सक्सीड? नो, तपन विल नॉट सक्सीड। क्यों तपन विल नॉट सक्सीड? कितने ऑप्शन है, तपन वुड सक्सीड, गलत, तपन वुड सक्सीड पॉसिबल, तपन वुड सक्सीड गलत, तो एकमात्र ऑप्शन बच गया। फिर तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। तपन वुड नॉट सक्सीड बिकॉज फ्री कंसेंट विद द पार्टीज वॉज देयर डिस्पाइट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइस एंड क्वांटिटी। रिमेंबर इट इज़ अ फ्री कंसेंट बिटवीन दिस टू पार्टी। अगर तपन को पसंद नहीं था तो वो बेचता नहीं, उसको ये प्राइस पे बेचने की इच्छा नहीं तो नहीं बेचो। क्यों आप बोल रहे हो कि भैया मुझे ये रिस्ट्रिक्शन जो हो गया वो मुझे नहीं चलेगा? ओके, सो दैट इज एक्सेप्टेबल। 60 का भी आंसर है, मेरे हिसाब से पूरी दुनिया का यही आंसर होगा, कोई भी गलत नहीं हुआ होगा। आई एम वेरी हैप्पी, किसी का भी गलत नहीं है। 60 का डी दिया है जिहारिका ने। ओके, जिहारिका क्या हुआ, विटामिन सी खा के बैठे हो कि नहीं बैठे हो बताओ? यस, विटामिन सी खा के बैठने का ना, ठीक है, विटामिन सी क्या, विटामिन क्लैट है ना, बिल्कुल तैयारी करके बैठने का, ऐसा नहीं करने का। इज दिस कंफर्टेबल? यस, ओके ग्रेट, आगे बढ़ते दोस्तों। यस इंडीड, बी इज द आंसर। अगला सवाल, विशाल इज अ फेमस आर्टिस्ट, ही वॉज रिक्वेस्टेड बाई अरुण एन इंडस्ट्रियलिस्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट of his deceased wife and paid 20,000 in advance and agreed to pay say around 2 lakh rupees at a later stage. ठीक है, तो बिल्कुल दे दिया इन्होंने, 20,000 दे दिया। अब हुआ क्या, when the portrait was half drawn, Vishal died due to heart attack. His son was also a fine artist, completed his father's work and demanded the money from Arun. दोस्तों जब contract इस तरीके का private performance का है, it is a private performance. Yes or no? You want painting by Vishal, you want movie of let's say Tiger Shroff, or you want a movie of Akshay Kumar. Now Akshay Kumar cannot say ki look yaar main nahi aa sakta, I will be sending one of my friend and wo kaam kar dega, which will not work. Yes or no? Kyunki wo Akshay Kumar ka kaam tha. Yes or no? So thereby it is very important. Theek hai, to dosto Arun refused to pay and to accept the portrait drawn by Vishal's and demanded the advance to be written. ठीक है, अरुण अगर उसका पोर्ट्रेट एक्सेप्ट कर लेता तो उसको पेमेंट करना पड़ता, ये सुनो। अब उसने रिफ्यूज किया दैट आई विल नॉट पे, ये सुनो। सो दोस्तों अब ये अरुण को, अरुण डिमांड कर सकता है एडवांस पेमेंट, ठीक है, ओके। दोस्तों अरुण एडवांस पेमेंट तो मांग नहीं सकता, ठीक है, पर जो विशाल का बेटा है, कैन ही आस्क फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी? ठीक है दोस्तों, अरुण
रिमेनिंग पैसा क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि उसने अरुण अरुण ने कॉन्ट्रैक्ट किया था विशाल। विशाल किधर है? वेर इज विशाल? भगवान के पास है, है ना? तो वहां से लेके जाओ, और क्या, दिस इज हाउ द आइडिया इज। ओके, तो वो 20,000 भी मांग नहीं सकता। सो अरुण कैन नॉट क्लेम, अरुण कैन नॉट डिमांड एडवांस अमाउंट फ्रॉम द सन ऑफ विशाल, बिकॉज इन द नॉर्मल केसेस सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फादर्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ना 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 ना, ये पॉइंट नहीं है। दिस इज नॉट अ राइट रीजन, दिस इज नॉट अ राइट रीजन। ओके, सन ऑफ विशाल कैन नॉट डिमांड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट फ्रॉम अरुण बिकॉज अरुण हैज नॉट असाइन द वर्क टू हिम। पॉसिबल है, पॉसिबल है, इसका रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, सी, अरुण कैन डिमांड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, अरुण कैन डिमांड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, कैन नॉट। ठीक है, ओके, सो आंसर क्या होना चाहिए? इट शुड बी बॉम्बे। ये सुनो दोस्तों, ये समझिए कि अरुण कैन नॉट डिमांड एडवांस अमाउंट फ्रॉम द सन ऑफ विशाल विच इज राइट। ठीक है, ओके, बिकॉज इन नॉर्मल केसेस सन इज, ये क्या नॉर्मल केसेस कहीं पे बोले है क्या? ना जी, ना जी, ना जी, ना जी, है ना, इट इज अ स्पेशल परफॉर्मेंस। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल बोल रहा था आपको, द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर डेथ ऑफ वन पार्टी कैन नॉट बी कंटिन्यूड इफ, और कैन बी कंटिन्यूड इफ इट इज रेटिफाइड बाई सर्वाइविंग पार्टी। अगर सर्वाइविंग पार्टी ने रेटिफाई किया होता तो, सर्वाइविंग पार्टी कौन है इस केस में? अरुण। अरुण ने रेटिफाई किया होता कि भैया विशाल का बेटा करेगा तो बात बराबर है। ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की दुनिया नहीं है। आंसर वुड बी बॉम्बे। यस, 61 का दुनिया चेंज हो रही है दोस्तों, देखते हैं। प्रिया ने बॉम्बे मांगा, वेरी गुड। ठीक है, कुंदना ने भी बॉम्बे मांग किया, आई एम हैप्पी। ठीक है, अक्षित का भी बॉम्बे, वेरी गुड। ठीक है, ओके, ईशा का सी ए, पता नहीं क्या आंसर है ना, दो दो आंसर है, कोई नहीं। साची का डी आंसर है, ओके, दैट्स नॉट राइट साची। ओके, मयंक पांडे इज ऑल्सो गिविंग डी, है ना। आप लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे इस बात पे, आपको लगा कि जब ये ऑप्शन है तो कहाँ दिमाग लगाना है, वही लगा देते हैं। ऐसा नहीं करो दोस्तों, दिस इज नॉट डन। ओके, आप देखिए यहाँ पे मटेरियल फैक्ट क्या था। मटेरियल फैक्ट है कि विशाल इज अ पेंटर और अरुण ने इससे काम लिया है। सर्वाइविंग पार्टी रेटिफाई करनी चाहिए, इसने रेटिफाई किया नहीं है। दैट इज वेयर द गेम इज। ओके, आई थिंक दिस इज प्रीटी कंफर्टेबल। ओके, आंसर इज बॉम्बे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव मेड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन विशाल सन एंड अरुण बाइंडिंग। ठीक है, है ना, क्या होगा? मटीरियल फैक्ट क्या है? अरुण रेटिफाई कर दे। सर्वाइविंग पार्टी कौन है कॉन्ट्रैक्ट में? विशाल और अरुण के सामने विशाल भाई तो गए, अरुण भाई बचे, तो अरुण भाई सर्वाइविंग पार्टी है। अगर वो रेटिफाई कर दे तो, अब यही बात हो रही है, इफ अरुण वुड हैव रेटिफाइड कॉन्ट्रैक्ट विद विशाल सन आफ्टर डेथ ऑफ विशाल तो चलेगा। इफ विशाल सन वुड हैव रेटिफाइड, ये नहीं चलेगा। कौन करना पड़ेगा? सर्वाइविंग पार्टी, सर्वाइविंग पार्टी। ये तो समझ में आ रहा होगा सबको। आई एम वेरी हैप्पी दैट मेनी ऑफ यू हैव गिवन दिस राइट आंसर। जियारिका आज विटामिन सी खा के आए नहीं हो ऐसा लग रहा है। ओके 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 ओके, 62 का आंसर, आंसर ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, आई एम हैप्पी। ओके ग्रेट, बहुत सारे लोगों का राइट हो रहा है। सो आंसर इज ए। ए सेल्स 5 मोटर कार्स टू बी टू रिसेल देम विथ अ स्टिप्यूलेशन दैट बी कैन नॉट सेल देम बिलो स्टिप्यूलेटेड अमाउंट। ओके, आफ्टर सेलिंग 2 कार्स बी रिफ्यूज टू फॉलो द टर्म्स एलिजिंग दैट ए कैन नॉट बाइंड हिम टू सेल द कार्स एट अ स्टिप्यूलेटेड अमाउंट। ए सेल्स मोटर कार्स टू बी टू रिसेल देम एट अ स्टिप्यूलेशन प्राइस। ठीक है, ये कंडीशन है कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका। ये सुनो दोस्तों, ये टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, पहले ही बोल के रखा था कि तुम इससे कम प्राइस पे नहीं बेच सकते हो। जब आपको पहले बोल दिया इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, अब उससे तो कैसे दूर भाग सकते हैं। ये सुनो, सो बी कैन नॉट इग्नोर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज ही एंटर्ड इनटू इट फ्रीली। यस, बी कैन इग्नोर, नो, बी कैन नॉट इग्नोर द कॉन्ट्रैक्ट एट इज इज अ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कोई प्रिंसिपल स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ी है, ये नहीं चलेगा। बी कैन इग्नोर द कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं चलेगा। आंसर वुड बी ए, 63 ए इज द आंसर। वेरी गुड दोस्तों, आई एम हैप्पी दैट मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस राइट, ऑल ऑफ यू गॉट दिस राइट, आई एम वेरी हैप्पी। ग्रेट दोस्तों, दिस इज वंडरफुल। तो दोस्तों कितने राइट हुए आपके बताइए, कितने राइट हुए आउट ऑफ, यू कैन से 5 क्वेश्चन थे हमारे पास, 5 में से कितने राइट हुए?
विधि गॉट 5/5, वेरी हैप्पी। जया गॉट 4, अक्षित गॉट 4, प्रिया प्रजापति 5, ईशा 4, ऋषभ 4, 4, 5, 5। देखिए दोस्तों, यही जो 4 और 5 का अंतर है ना, ठीक है, किसी का 4 राइट हुआ, किसी का 5 राइट हुआ, यही अंतर है दोस्तों जो आपका एनएलयू में रैंक लाएगा। और वो जो आपका गलती हो गया होगा ना, उस समय पे आपका फोकस इधर से उधर हो गया होगा, आपने गलत इंटरप्रेट कर दिया, कोई शब्दों को सही तरीके से देखा नहीं। ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, अगली कहानी चलते हैं। दोस्तों हम करते हैं एक और चीज़, आपके सामने दो स्लाइड्स होगी और उसके बाद क्वेश्चंस होंगे। ओके चलिए ग्रेट दोस्तों, फटाफट करके बताइए, 2 मिनट्स फॉर दिस स्लाइड। I'm happy that you have done it. I'm still waiting for 30 seconds. Okay. I'm going to the next slide and you have 90 seconds to go. Okay, so we are going to the next one. Questions. You have 40 seconds to crack. Okay, we go to the next question. Seconds for this.
नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds. नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds. नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds. Okay, I think it's done. So please put all your answers. It is important that you should put your answers fast. ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों. प्रिंसिपल्स बहुत इजी है, ज़रा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. आई डेलिबरेटली पिक्ड अप द रूल्स वाली दुनिया, ठीक है ना, कीपिंग इन माइंड दैट वी आर एबल टू डायरेक्टली अप्लाई दिस रूल्स थ्रू अ मिराट मेथड, है ना, दैट इज वेर द आइडिया वॉज. ओके, चलिए ग्रेट. सलोन ने आंसर लिखना चालू किया, बाकी सब लोग कर दीजिए दोस्तों. ठीक है, वेरी गुड. सो अंडर द इंडियन पिनल कोड द टर्म एक्सटॉर्शन हैज़ बीन डिफाइंड एक्सप्लिसिटली and now it is constituted. Section 383 of Indian Penal Code states that if a person intentionally puts another person in a position of fear or of threat to cause him injury or deceitfully persuade him so that he may deliver the property or any other valuable goods to another person or any document which has been signed or can be turned into a valuable security. अच्छी बात है, ये तो समझ में आ गया. Punishment is also there. What are the essential part of extortion? एक्ट विच कॉजेज इमिनेंट थ्रेट और इंजरी टू अ पर्सन. चलिए अच्छी बात है, ये होना चाहिए. क्या होना चाहिए? इमिनेंट थ्रेट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों. और देर इज एन इमिनेंट थ्रेट टू इंजरी. द एक्ट मस्ट बी डन इंटेंशनली एंड डिसिटफुली. इंटेंशनली होना चाहिए, ये सुनो. सच अ पर्सन टेंस टू कॉज इंजरी टू अनदर पर्सन इन विच ही सीक्स इंटरेस्ट. ठीक है, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर, ये सुनो. अब उसका इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट पैसा लेना हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है. एन अनरिजनेबल फोर्स शुड बी शोन थ्रू विच अ पर्सन सीक्स टू टेक प्रॉपर्टी और एनी अदर वैल्यूएबल गुड्स ऑफ अनदर पर्सन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट. ओके, सो इट कैन बी कंक्लूडेड, ठीक है, दैट इफ अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस विच इंक्लूड्स द ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एज मेंशन इन द अबव देन द ऑफेंस कमिटेड इज नोन एज एक्सटॉर्शन. इंटेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. The gravity of such dishonest intention upon the facts and circumstances of a case. तो वो ग्रेविटी देखी जाएगी उसकी कि क्या कर रहा था. ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों. अने कोशिश करते हैं कि हमारे लिए क्वेश्चन क्या बनता है. पहला सवाल, ए हु किडनैप बी चाइल्ड जेड डिमांड्स 10 lakh rupees फ्रॉम बी. ओके, फेलिंग विच ए विल हर्ट जेड. ओके, तो भैया ए का बेटा, सॉरी, ए ने किडनैप किया बी के बेटे जेड को, किडनैप करके रखा और इज आस्किंग 10 lakh rupees. ये सुनो, नहीं तो वो इसको परेशान करेगा. ये सुनो, सो दोस्तों ये परेशान करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, ठीक है, ओके. ए विल हर्ट जेड, तो वो इमिनेंट थ्रेट है. हाँ, ठीक है. सो दोस्तों इमिनेंट थ्रेट है, इसने एक्सटॉर्शन किया क्या? हाँ. Has only committed kidnapping. दोस्तों बात यह है कि उसने किडनैप तो किया है, ठीक है, पर दोस्तों हम हमारे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे विथ एन अंडरस्टैंडिंग दैट कि हमें एक्सटॉर्शन का प्रिंसिपल दिया है, विल स्टिक टू एक्सटॉर्शन. ये सुनो, किडनैपिंग नहीं है. हालांकि ऑप्शन दिया है बी और सी, तो एक्सटॉर्शन तो पक्का ही हुआ है, तो इसलिए आंसर होगा आपका ए. वेरी गुड, आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू
got this right, this is easy. Yes, number two, a bishop was threatened in order to expose his illegitimate relation with a woman. ठीक है, is it extortion? ठीक है भाई, बिशप के ऊपर एक बिशप को थ्रेटन किया गया कि भाई हम तुम्हारा इलेजिटिमेट रिलेशनशिप इनसे डिस्क्लोज करेंगे, है ना. इट इज लाइक रिया वॉज थ्रेटनिंग सुशांत कि भाई तेरा मेडिकल रिपोर्ट मैं मीडिया में पब्लिश कर दूंगी. ठीक है, अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन, आई डोंट नो अबाउट दैट. ठीक है, सो सर, बट सर इन क्वेश्चन नंबर 64 टेस्ट ऑफ एक्सट्रॉशन इज डिलीवरी, हियर इट शुड बी अटेम्प्ट टू एक्सट्रॉशन बिकॉज नो डिलीवरी ऑफ मनी वॉज देर. सलोनी, वेर इज द डिलीवरी वाला पॉइंट, है ना. एन एक्ट विच कॉज इज इमिनेंट थ्रेट, द एक्ट मस्ट बी डन इंटेंशनली, यस नो. सच पर्सन टेंस टू कॉज इंजरी, अनरिजनेबल फोर्स टू बी यूज, यस नो. ठीक है, शुड बी शोन थ्रू विच अ पर्सन सिक्स टू टेक प्रॉपर्टी. ठीक है, सिक्स टू टेक, है ना. तो यहाँ डिलीवरी थोड़ी हुई है, समझो. एक्सट्रॉशन में डिलीवरी की जरूरत कहाँ लिखा है यहाँ पे. सलोनी, क्यों ऐसा हुआ आपके साथ? ठीक है, क्यों ऐसा सोच रहे हो आप? चलिए, ग्रेट. सो ये थ्रेट गिना जाएगा. यस इंडीड, आंसर वुड बी ए. ओके, इज दिस एक्सट्रॉशन? यस, इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, 65 का आंसर है ए. 65 था ना? यस, 65 का आंसर ए. बहुत सारे लोगों ने बी मार्क करा भैया. क्यों बी मार्क करा भाई, क्या गलती हुई बताओ. चलो फटाफट, बिशप वॉज थ्रेटन इन ऑर्डर टू एक्सपोज हिज इलेजिटिमेट रिलेशन विद अ वुमन. सर इन द क्वेश्चन 65 नो प्रॉपर्टी इज मेंशन. ठीक है, और एनी डिटेल अबाउट टेकिंग एनीथिंग और टेकिंग इज नॉट मेंशन. बिल्कुल सही बात है, आओ चलो इधर. ओके, अनरिजनेबल फोर्स शुड बी शोन थ्रू विच अ पर्सन सिक्स टू टेक प्रॉपर्टी और एनी अदर वैल्यूएबल गुड्स ऑफ अनदर और एनी डॉक्यूमेंट. ठीक है, सो इट इज कंक्लूडेड दैट इफ अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग, दिस 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 दिस. ठीक है, हाँ ठीक है. सच अ पर्सन टेंड्स टू कॉज इंजरी टू अनदर पर्सन इन विच ही सीक्स एन इंटरेस्ट. ठीक है, बराबर है. सो बेसिकली सामने वाले को इंजरी हुआ क्या? इंजरी हुआ, ये सुनो, बिल्कुल इंजरी हुआ. ठीक है, दैट मस्ट बी डन इंटेंशनली, इमिनेंट थ्रेट एंड इंजरी टू अ पर्सन. यहाँ पे इंजरी हुआ ना, ये सुनो, तो यहाँ पे इंजरी है, यहाँ पे बात है इंजरी की. ये सुनो, इज दैट इंजरी एक्सटॉर्शन? यस, बिल्कुल. ठीक है, ओके सर, ऑल द कंडीशंस आर रिक्वायर टू बी फुलफिल्ड एंड नॉट ऑल आर फुलफिल्ड. ठीक है, बट सर इट इज सेड दैट इलेजिटिमेट रिलेशनशिप ऑफ बिशप डजंट मीन दैट ही वॉज एट फॉल्ट. उसका इलेजिटिमेट रिलेशनशिप है या नहीं है? ठीक है, ही वॉज थ्रेटन. ठीक है, थ्रेटन किया. ठीक है, थ्रेटन किया तो इंजरी हुई. हाँ, सिंपल है. अच्छा, ऋषिता बोलते हैं सर व्हाट इज हिज इंटरेस्ट. अच्छा, वी डोंट नो व्हाट इज हिज इंटरेस्ट. ठीक है, एग्रीड, है ना, दैट इज नो. बट हु विल पॉसिबली डू दिस काइंड ऑफ थ्रेटनिंग? एक रीजनेबल आदमी की नजरिए से देखे सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट. यस नो, नाउ व्हाट इज ही गेटिंग आउट ऑफ इट? वी डोंट नो, वी डोंट नो दैट. यस ठीक है, बट ही विल गेट इट फॉर श्योर. यस नो, ठीक है, ओके सर. द पैरा स्टेट दैट ऑल कंडीशन नीड टू बी देयर. एग्रीड, चलिए देखे पैरा में क्या लिखा है. सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इफ अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एज मेंशन अबव देन द ऑफेंस कमिटेड इज नोन एज एक्सट्रॉशन. एग्रीड, सब कुछ. क्या क्या हुआ? सबसे पहला, एन एक्ट विच कॉजेज इमिनेंट थ्रेट. यस, थ्रेटन किया उसने. दैट मस्ट बी डन इंटेंशनली एंड डिसिटफुली. इंटेंशनली डिसिटफुली हुआ क्या? उसने भाई जो जो भी एक्टिविटी करी, यहाँ तो इंटेंशन मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने उसको मेलाफाइड इंटेंशन के साथ किया होगा. ये सुनो, चलिए ग्रेट. नंबर टू, सच अ पर्सन टेंड्स टू कॉज इंजरी टू अनदर पर्सन इन विच ही सिक्स इंटरेस्ट. तो उसने इंजरी करी क्या? हाँ करी. ये सुनो, अब उसका इंटरेस्ट है कि नहीं? नाउ दैट मतलब अब वो पूरी बात तो नहीं है, समझो. ये बात को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं. वो इंजरी करता है तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट माना जाता है. यस और नो? ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों.
एंड अनरीजनेबल फोर्स शुड बी शोन थ्रू विच अ पर्सन सिक्स टू टेक द प्रॉपर्टी. अनरीजनेबल फोर्स यूज हुआ क्या? हाँ ठीक है. अच्छा, प्रॉपर्टी लेने की कोशिश हो रही है, अदर वैल्यूएबल गुड्स और अनदर पर्सन फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट, ये बात हो रही है क्या? नहीं, ये बात नहीं है. एग्रीड दोस्तों, ये समझिए, एक बिशप की प्रॉपर्टी क्या है? बिशप की प्रॉपर्टी है उसका रेप्यूटेशन. समझिए, जब उसका ये, जब उसके सामने ये बोला गया कि भाई तुम्हारा इललेजिटिमेट रिलेशनशिप है, इजंट इट, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ क्या? हाँ हुआ, उसकी वही तो प्रॉपर्टी. ठीक है, ओके दोस्तों, ये समझिए. प्रभार, आपका पॉइंट वैलिड था, फिजिकल प्रॉपर्टी दिख नहीं रही है, पर बिशप की प्रॉपर्टी क्या है? बिशप की प्रॉपर्टी उसकी रेप्यूटेशन है. आपने उसके ऊपर आरोप लगा दिया इलेजिटिमेट रिलेशनशिप और उसके द्वारा आपने थ्रेटन कर दिया, तो इजंट इट एक्सट्रॉशन, इज इट? यस. ठीक है, ओके. प्रिया बोलते हैं आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस, सो हियर वी आर सेइंग दैट जस्ट द एक्ट ऑफ थ्रेटनिंग पर से इज एक्सट्रॉशन. नो 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 प्रिया, एक्ट ऑफ थ्रेटनिंग बिशप, उसकी क्या प्रॉपर्टी है? बिशप की प्रॉपर्टी है उसकी रेप्यूटेशन. ये सुनो, इज दिस कंफर्टेबल? फैक्ट इज इनकम्प्लीट? नहीं भैया, जरा भी नहीं, जरा भी नहीं. प्रिया, इज दिस कंफर्टेबल? समझ आ रहा है सबको? समझिए दोस्तों, मटीरियल फैक्ट क्या है? मटीरियल फैक्ट ये है कि आपने किसके ऊपर एलिगेशन लगाया और क्या एलिगेशन लगाया. समझिए, बिशप की रेप्यूटेशन है क्या चीज की? दैट ही इज सेलिबेट. अब उसके ऊपर आपने आरोप लगा दिया कि उसका इलेजिटिमेट रिलेशनशिप है, तो क्या हो गया भैया? ये तो बुरा हो गया. ठीक है, अभ्युदय सिंह, ये तो एक रिजनेबल आदमी की नजरिए से ही तो देखा, और लॉयर भी उसी नजरिए से तो देखेगा. समझो, बिशप इज अ पर्सन हु हैज अ रेप्यूटेशन. उसकी रेप्यूटेशन को आप हार्म करोगे, दैट्स अ प्रॉब्लम. भैया वो डिफेमेशन में आएगा. एग्रीड, आप वो डिफेमेशन में आएगा, पर वो उसकी रेप्यूटेशन को हार्म करने का, एक ऐसे बोलकर उसको थ्रेटन करना, इजंट इट एक्सटॉर्शन? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, आपके आईफोन को मैं डैमेज करूंगा ऐसा बोल के मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, ठीक है, तो वो एक्सटॉर्शन हुआ. हाँ, अब आपकी प्रॉपर्टी है आपकी रेप्यूटेशन, आपकी रेप्यूटेशन को मैं डैमेज करूंगा ऐसा बोल के आपसे मैं कुछ थ्रेटन कर रहा हूं, इजंट इट एक्सटॉर्शन? इट इज. दर्शिका पांडे, आई अंडरस्टैंड, हर इंसान की प्रॉपर्टी रेप्यूटेशन होती है. एग्रीड, हर इंसान की होती है, पर बिशप की रेप्यूटेशन का वैल्यू तो बहुत बड़ा है. समझो, बिशप का रेप्यूटेशन ऑन इललेजिटिमेट रिलेशनशिप शुड बी टर्म टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, ठीक है. अंशिता, वी कांट बी श्योर अबाउट देयर इंटेंशन, ऐसा आप जो बोल रहे हो, तो आप सीमा करोगे? नहीं भैया ना, अभी देखो, उसे थ्रेटन किया है. थ्रेटन करना बोलने का ही मतलब है. अगर वो थ्रेटन नहीं करा होता, ठीक है, अगर सही चीज है, बराबर है, वर्ड पे आप जाओ ना, थ्रेटन कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अभ्युदय सिंह, चीफ जस्टिस की इमेज को प्रशांत भूषण ने डैमेज किया, वो भी एक्सट्रॉशन हुआ क्या? उसने थ्रेटन किया क्या? उसने पब्लिक में सिर्फ बताया, उसको डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो सब बात अलग है. यहां थ्रेटन कर रहा है, समझो, कि मैं तुम्हारा ये बात पब्लिक में बता दूंगा. ये समझो अभ्युदय सिंह, यहां पे अंतर है. ठीक है, ओके, ये डिफेमेशन नहीं है. डिफेमेशन होता पब्लिश कर देना होता, पब्लिश नहीं किया. आप कंफ्यूज कर रहे हो दो चीजों को, समझिए. डिफेमेशन में पब्लिकेशन हो जाना जरूरी है, यहां पे पब्लिश हुआ ही नहीं. ये तो थ्रेटन कर रहा है, बोलता हम तो एक्सपोज कर देंगे. ठीक है, हम आपको एक्सपोज कर देंगे, ऐसा बोल रहा है. ठीक है दोस्तों, ये समझिए. इज दिस वेरी क्लियर? वेरी गुड, समझ आया? वेरी गुड. जया चौधरी, उन्होंने ये नहीं बोला था कि बता दूंगा, बस एक स्टेटमेंट बोला. बिल्कुल सही बात है. अभ्युदय सिंह को ये छोटी छोटी चीज समझ में आई आपको? ठीक है, यही गलती हो जाती है अभ्युदय सिंह आपकी, शायद, है ना. आपसे जब मेरी फोन पे बात हुई थी, शायद मुझे समझ में आया कि शायद ऐसी परेशानी हुई थी, बट ही डज नॉट सीक टू टेक एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम बिशप. ठीक है, प्रीतेश शेंडे, आप ये समझिए कि वो उसके ऊपर से क्या इंटेंशन है उसका.
ठीक है, अब मैलिशियस इंटेंशन है भाई, आपका मैलिशियस इंटेंशन होगा तभी तो आप बिशप की रेपुटेशन को आप बिगाड़ना चाह रहे हो, यस और नो, बात समझ में आई? आपका इंटेंशन खराब होगा तभी तो आप सीधा कोई बाबा के ऊपर आरोप लगाओगे, यस और नो? भैया आप समझो, कोई लेकिन से अच्छा आदमी के ऊपर आप रेपुटेशन खराब करने के नज़रिए से ही तो आप ऐसा करोगे, नहीं तो कैसे करोगे? इज दिस कंफर्टेबल? ग्रेट, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, समझ में आया? वेरी गुड, चलिए अच्छी बात थी, है ना, आप कहीं फंसे, इट इज़ गुड, फंसा तो अच्छी बात है, ओके। अ बॉय एंड अ गर्ल वर कॉम्पेल्ड बाय एक्यूज्ड टू टेक ऑफ देयर क्लोथ्स वेल दे वर नेकेड, सेवरल फोटोग्राफ्स वर टेकन बाय देम, लेटर दिस फोटोज वर यूज्ड बाय एक्यूज्ड इन ऑर्डर टू एक्सट्रॉट मनी फ्रॉम देम, एक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ वॉट, इज ए गिल्टी, गिल्टी तो दिख ही रहा है, गिल्टी ऑफ ब्लैकमेलिंग एंड नॉट एक्सट्रॉशन, क्या होना चाहिए बताइए दोस्तों? उसने फोटोग्राफ उनके लिए और उनको मनी एक्सट्रॉट करने के लिए उसने ये यूज़ किया, सो ऑब्वियसली हिज गिल्टी ऑब्वियसली ऑफ एक्सट्रॉशन, ठीक है, ये पॉइंट हो नहीं सकता, ब्लैकमेलिंग तो प्रिंसिपल में ही नहीं, ये सुनो, तो इसको तो हम मार्क करेंगे ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, N67, ए हैड टू रिकवर सम डेट फ्रॉम जेड, वन डे ही वेंट टू जेड्स हाउस एंड कर्स्ड हिम, सेड गॉड विल पनिश यू बर्निंग यू इन दी हॉट ऑयल, ये वो प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने किया था कि भाई तुम बाइक चला रहे हो, हेलमेट किधर है तुम्हारा, मास्क है, क्या कर रहे हो, तुम जाओगे कोरोना में, मर जाओगे, ऐसा ही तो बोला होगा, ये सुनो, ठीक है, चलो ग्रेट दोस्तों, इज दिस कंफर्टेबल, इज इट एक्सटॉर्शन बताइए दोस्तों, इज इट एक्सटॉर्शन, उसके बारे में बोलना, उसको मुंह पे बोल देना, भाई तेरा दुनिया बर्बाद होने वाला है, मैं तुम्हारे ऊपर कर्ज कर रहा हूं, इज दैट एन एक्सटॉर्शन? ऑब्वियसली नो, दिस इज नॉट अ एक्सटॉर्शन, ओके ग्रेट, ठीक है, दिस इज नॉट एन एक्सटॉर्शन। ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड, ठीक है, अनलेस जेड गिव्स हिम मनी, ठीक है, थ्रेटन करना कि मैं तुम्हारे बारे में बुरा भला बोल दूंगा, वो बिशप के ऊपर भी अगर ये हुआ, है ना, तो ये भी गिल्टी ऑफ एक्सटॉर्शन होगा क्या? बिल्कुल, इज अ गिल्टी ऑफ एक्सटॉर्शन, सही बात है, बिशप में हुआ तो यहाँ पे भी हुआ, यस और नो? इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन? ग्रेट दोस्तों, ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों कितने राइट हुए, ग्रेट, मजेदार था, बिल्कुल, बताइए फटाफट कितने राइट हुए? देखिए दोस्तों, जब आप मटेरियल फैक्ट के ऊपर ध्यान देते हो ना, तो आपका काम बहुत सही हो जाएगा दोस्तों। अगर आपका ये राइट हुआ ना, है ना, कौन से नंबर का, अगर 68 वाला राइट हुआ, तो आपको बिशप वाला गलत हो, मतलब कैसे गलत हो सकता है, समझो, आप कंफ्यूज हो गए, है ना, आप बिशप नाम से थोड़े परेशान हो गए। देखिए, उसने थ्रेटन किया कि मैं तुम्हारी चीज को पब्लिश कर दूंगा, ओके दोस्तों, आप ऐसी गलतियां मत करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, 5 मिनट में अगली सेशन चालू हो रही है, ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों, मजा आएगा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, बाय, कल मिलेंगे।